हेलो फ्रेंड्स, स्क्रीन पर देखकर क्या लगता है आपको कि ये मोजिटो है? नहीं, ये मोजिटो नहीं, ये हमारा देसी शरबत गुड़ और चीनी की शिकंजी है। चलिए आइए बताते हैं इसकी रेसिपी। लेकिन इससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। इसमें सबसे पहले मैंने ये एक बाउल लिया है। बाउल में मैंने ये जैगरी पाउडर को यूज़ किया है। अगर आपके पास जैगरी पाउडर नहीं है तो आप नॉर्मल जो पेड़े वाला गुड़ होता है उसे भी तोड़कर आप यूज़ कर सकते हैं। एक गिलास गुड़ के शिकंजी के लिए मैंने ये लगभग 2 से 3 चम्मच जैगरी पाउडर लिया हुआ है, गुड़ का पाउडर, और उसमें मैंने हल्का गुनगुना पानी डाला है। ये हल्का गुनगुना पानी डाला हुआ है। आप चाहें तो नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि आपको घोलने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, और बाद में तो हमें ठंडा पानी इसमें डालना ही है। और ठंडे पानी में क्या होता है कि जल्दी में अगर आप हैं तो उसके इस तरीके से जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं पार्टिकल्स छूट जाते हैं और वो अच्छे से घुल नहीं पाता है। ये मैंने ये अब घोल रही हूँ अच्छे से। मैं इसे थोड़ी देर तक घोलती हूँ, उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा आधा चुटकी काला नमक, ये लगभग आधा टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा सेंधा नमक पाउडर, अगर आपके पास सेंधा नमक डालना है, अगर आपके पास सेंधा नमक ना हो तो आप नॉर्मल नमक भी डाल सकते हैं। ये सब कुछ मैंने अच्छे से घोल लिया। अब मैं इसे एक ग्लास में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। ग्लास में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया। ये मैंने गुड़ को कंसंट्रेटेड बनाया हुआ था, इसमें अब हम थोड़ा सा पानी डाल दे रहे हैं। एक ग्लास के हिसाब से मैंने पाउडर को लिया था, जैगरी पाउडर को, ये मैंने पानी डाल दिया। अब हम इसमें और भी चीज़ें डालते हैं। आधा नींबू, बड़े नींबू को मैंने लिया था, उसका आधा नींबू का रस इसमें स्क्वीज़ कर लेते हैं। और ये 4-5 ताजे पुदीने की पत्तियां, उसको हाथ से, अपने हाथ से ही मैंने बिल्कुल तोड़ तोड़ कर क्रश करके इसमें डाल दिया। और अब हम 3-4 लच्छे अदरक के पतले पतले, ये अदरक के टुकड़े मैंने कट कर लिए हैं, उसे भी इस ग्लास में डाल देते हैं ताकि इसका हल्का हल्का फ्लेवर आए पीने पर। अब इस ग्लास को हम किनारे रख देते हैं। अब चलिए चीनी के शिकंजी की तैयारी करते हैं। इसी तरह मैंने बाउल में पानी लिया और उसमें लगभग 3 चम्मच चीनी डालते हैं और उसको भी खूब अच्छे से, जब तक कि चीनी गल ना जाए, उसे घोल लेते हैं। चीनी को घोल दिया अच्छे से, चीनी तो हमारी लगभग घुल गई। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर, काला नमक और थोड़ा सा सेंधा नमक डालते हैं। और अब हम इसमें भी पुदीने के पत्ते को हाथ से तोड़कर, खूब छोटा छोटा तोड़कर इसमें डाल देते हैं। इस नींबू की शिकंजी में मैंने थोड़ा सा चाट मसाला भी डाला हुआ है और ये नींबू का रस भी निचोड़ दिया। और ये अदरक के टुकड़े 3-4 जो मैंने गुड़ में डाले थे वो इसमें भी डाल देते हैं। अब इसे भी एक ग्लास में हमने ट्रांसफ़र कर लिया, एक सुंदर सी ग्लास में आप इसको ट्रांसफ़र कर लीजिएगा, जिससे कि लोग सोचें कि ये गुड़ का शरबत नहीं, चीनी का शरबत नहीं, शिकंजी है। अब इन दोनों ग्लास को मैं एक साथ रखती हूँ और इसको फाइनल करती हूँ पीने के लिए। इसमें मैंने आइस क्यूब्स डाला है, ये आइस क्यूब्स ढेर सारे डाल देती हूँ। इसको अब डेकोरेट करते हैं ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं कि ये है क्या देखकर। ये पुदीने का स्टेम लगा दिया खूबसूरती के लिए, और ये नींबू के स्लाइसेस लगा दिया। कैसा लग रहा है अब आपको देखने में? ये लग रहा है ना ज़बरदस्त। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इस समय आपके स्क्रीन पर सेंटर में सब्सक्राइब बटन दिख रही है, आप उसे प्रेस करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।